आज जोते जोतार खेत आज आरोप लगा दिए कि हमको यहाँ का नहीं जोतने देंगे। चाहे रोक लगावे चाहे छोक लगावे, लेकिन हमको इस ज़मीन को न छोड़ेंगे हम, क्योंकि इसमें से हमारा पेट पर्दा, हमारे जीवन जीने के लिए सिर्फ हमारा संसाधन यही है, ज़मीन है। इसी से हमारे माँ बाप कमाते हैं और बेच कर हमें पैसा देते हैं, तो हम अपना फीस और जमा करके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये आधार हमारा न छीना जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2007 के अंतर्गत उसमें साफ साफ लिखा है कि जो किसान 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से काबिज कर खेती या काबिज कृषिकारी कर रहे हों, या जो किसान 3 पीढ़ी से वहां पर कृषिकारी कर रहे हों, या 75 साल से वन में बसे हों, उनको यह नियम कानून के चलते उनको अधिकार पत्र देने का नियम है। लेकिन यह जिला उमरिया ब्लॉक पाली ग्राम किल्हारी में इस नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ये ज़मीन जो है जंगल का काबिज है, जो ये कितने किसान काबिज है? इसमें लगभग 40 आदमी। यहाँ ज़मीन आप कब से काबिज किए हैं? यहाँ 71 से ज़मीन काबिज कर रहे हैं। तो लगभग खेत से कितना उत्पादन कर लेते थे आप? उत्पादन तो होता है, हर किसान 3-3, 4-4 कुंटल निकालते हैं। यह ज़मीन से बाप दादा ने जोते, यही का हम जोता था, यही के आज हमारा लड़का जोत रहे हैं। जिला उमरिया कलेक्टर साहब के यहाँ हमने अपना आवेदन जमा किए कि हम लोग इतने दिनों से काश्तकारी कर रहे हैं सर, तो इसके बाद फिर SDM कोर्ट में दिए, वहाँ भी दिए, फिर ग्राम पंच बताएं कि यहाँ पंचायत में दिया था, पंचायत में दी हैं, फिर कहीं नहीं तुम ग्राम सभा में दिया था, हम ग्राम सभा में दी हैं। ऐसे करके हम बहुत से सारे जगह अपने आवेदन की, बाद में पता चला कि नहीं इसको ये ग्राम सभा अनुमोदन करेगा, तो फिर ग्राम सभा में दिए, वहाँ से भी नहीं हो पाया। फिर हमने मुख्यमंत्री को जी के यहाँ, हम शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री साहब के यहाँ हमने अपना आवेदन किसी के द्वारा ये भिजवाए गए। यहाँ का जो वन के जो अधिकारी हैं उनके पास हमने आवेदन दिया कि भाई हम इतने लोग इतने साल से हम काबिज हैं, जो वन अधिकार अधिनियम जब चला है तो भाई ये सब के लाने चला है, शासन तो सब के लाने चला ही, तो ऐसे हम उसे अपील करें तो कहे हाँ हो जाएगा। इसे होते होते चले आए, फिर अभी हमने यहाँ काश्तकारी करते चले आ रहे, अभी इतना दिन रोक ठोक ना लगे था हमारे समझ में कि ये सब ठीक है तो हमारे हैं, अब कहें कि तुम्हारे काम में लगे हैं तो हमारे समझ में कि बनाऊ थी, फिर ये तो बीच में आए के जंगल ही पूरे यहाँ कैंप लगा दी, जो यहाँ झारा मड़ैया हम सब किसान भाई लगाए बनाए रहें, तो वही सब उकस फुकस के सब ट्रैक्टर में भरवाए के ले गए, अब कहें कि यहाँ बिल्कुल बंद करो। यदि ये जमीन छिन जाएगी तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, पढ़ाई रुक जाएगा और हम अनपढ़ रह जाएंगे। जैसे ये खेत जैसे मना कर रहे हैं, तो यदि नहीं मिल पाएगी तो क्या करेंगे? फिर मर जाएंगे। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि हमारे जिला उमरिया के कलेक्टर साहब हैं अभिषेक सिंह, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00। इस नंबर पर कॉल करके इन अधिकारियों पर दबाव बनाएं, ताकि हमारे यहाँ यह जो समस्या है, यह जो 40 किसानों को अधिकार पत्र नहीं मिल रहा है, उनको जो नहीं पा, उनको डर बना हुआ है, और यह जो समस्या हमारी खड़ी है, इस समस्या में मदद करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर बिलाकर के लिए, जिला उमरिया मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ड के लिए।